गाइस आज के इस वीडियो में समझेंगे कि ब्राउज़र इवेंट्स किस तरह से काम करते हैं। हम लोग देखेंगे कि ब्राउज़र इवेंट्स को हैंडल करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन सा तरीका यूज़ करना है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई। सो गाइस मैंने रैपल बना ली है अपनी और रैपल के अंदर मैंने इवेंट्स के बारे में आप लोगों को बताने का तामझाम कर लिया है। ठीक है और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई भी काम जब ब्राउज़र में किया जाता है, जैसे मान लो आपने माउस से क्लिक किया या फिर आप कहीं पर माउस लेके गए, एक इवेंट जनरेट होता है। और अगर मैं आप लोगों को इवेंट की परिभाषा की बात करूँगा तो एक सिग्नल होता है कि समथिंग हैज़ हैपेंड। ठीक है, मान लो किसी की शादी हो गई आपके पड़ोस में, ठीक है, तो वो एक इवेंट है। ठीक है, मान लो किसी का बर्थडे है तो वो एक इवेंट है। ठीक है, मान लो कोई गिर गया, ठीक है, गिर जाते हैं लोग यार चलते चलते, बात तो सही है, तो वो एक इवेंट है। ठीक है, मान लो किसी ने खाना खा लिया और वो एक इवेंट है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, तो कुछ भी होता है उसे इवेंट कहते हैं। तो बर्थडे होना, शादी होना, किसी का गिर जाना, किसी के द्वारा कुत्ते ने काट लेना, तो ये सब इवेंट होते हैं। ठीक है, अब कुछ डॉम इवेंट्स की बात कर लेते हैं। ये इवेंट्स के बारे में तो आप सुनते रहते हो, यहाँ पर आप नहीं आए हो इवेंट्स के बारे में सुनने, आप आए हो डॉम इवेंट्स के बारे में सुनने, जैसे कि माउस इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स और फॉर्म एलिमेंट इवेंट्स और डॉक्यूमेंट इवेंट्स। अब ये क्या चल गया रहा है, मतलब क्या इवेंट, मतलब आपको गया इतने सही चल रही थी जावास्क्रिप्ट, ये इवेंट कहाँ से आ गया? नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। देखो यार, आप किसी भी जगह पर अगर क्लिक करते हो तो एक क्लिक इवेंट जनरेट होता है। ठीक है, और आप चाहोगे उस इवेंट को हैंडल करना, सिंपल सी बात। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इवेंट्स लिखूंगा और यहाँ पर मैं एक चीज और करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा div class is equal to container और इसके बाद मैं यहाँ पर मान लो एक बॉक्स बनाता हूँ या एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ onClick is equal to alert hello और डबल कोट क्योंकि मैंने ऑलरेडी लगा दिया है तो मैं सिंगल कोट यहाँ पर लगाऊँगा, तब पता है क्या होगा? मान लो this लिखता हूँ, यार भाई इतना बड़ा कौन लिखता है, या फिर क्लिक में लिखता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको अगर रीलोड करूँ तो इसका टाइटल चेंज हो जाएगा इवेंट, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देखो हेलो यहाँ पर आ गया। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग अगर क्लिक करोगे इस बटन पर तो ये वाली जावास्क्रिप्ट जो है वो चल जाएगी। ठीक है, क्या मैं इसमें बड़ा जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू 6 और कंसोल डॉट लॉग मान लो मैं ए लिख दूँ कुछ इस तरह से, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो अगर मैं ये करता हूँ, मान लो अलर्ट हेलो किया मैंने और फिर लेट इज इक्वल टू 6 किया कंसोल डॉट, क्या ये चलेगा? ठीक है, इज द क्वेश्चन, लेट्स फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अरे नहीं यार, मुझे कंसोल खोलना है, और ये चलेगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये जावास्क्रिप्ट चलेगी। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा अगर, तो यहाँ पर देखो हेलो मैंने लिखा, ये देखो कंसोल में 6 जो है वो प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने लेट इज इक्वल टू 6 कंसोल डॉट लॉग ए किया। ठीक है, अब होता क्या है ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि इतनी बड़ी जावास्क्रिप्ट आप लिख नहीं सकते। ठीक है, मतलब पॉसिबल तो है बट थोड़ा मेंटेनेबल नहीं है और अच्छा नहीं लगेगा इतनी बड़ी जावास्क्रिप्ट अगर आप लोग ऑन क्लिक के अंदर लिख दोगे तो। तो इसीलिए सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर ये निकल के आता है कि हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम लोग एक और तरीका देखेंगे इवेंट को हैंडल करने का। तो जल्दी से नोट्स पे आ जाते हैं और कंसोलिडेट कर लेते हैं सारी नॉलेज। एन इवेंट इज अ सिग्नल दैट समथिंग हैज़ हैपेंड, ऑल दी डॉम नोट्स जनरेट सच सिग्नल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आप किसी बॉक्स में माउस लेकर गए तो आपका एक इवेंट है वो, अगर आपने माउस वहाँ से हटा लिया तो वो एक इवेंट, अगर आपने क्लिक कर दिया तो वो एक इवेंट, अगर आपने माउस के क्लिक के बटन को छोड़ दिया तो वो एक इवेंट है। ठीक है, आपने माउस को मूव किया वो एक इवेंट है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मतलब राइट क्लिक अगर आपने किया तो वो एक इवेंट है। कीबोर्ड इवेंट्स, की डाउन की अप, ठीक है, आपने की दबाई की डाउन, आपने की छोड़ दी की अप। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट इवेंट्स, जैसे कि आपने सबमिट किया या किसी भी एक एलिमेंट पर फोकस किया तो वो सारे काम आप लोग कर सकते हो। फॉर्म एलिमेंट इवेंट्स होते हैं जैसे कि सबमिट या फोकस, अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो लोड हो गया तो डॉम कंटेंट लोडेड वाला इवेंट जो है वो चल जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इन सारे इवेंट्स को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंटेनर पर एक इवेंट लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लगाऊंगा ऑन माउस एंटर, और ऑन माउस एंटर पर मैं अलर्ट लिखूंगा और लिखूंगा कंटेनर, एक मिनट यार सिंगल कोट लगाना था, कंटेनर के अंदर माउस गया। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने सेव किया, मैं इसको रिलोड करूंगा और
जैसे ही मैं यहाँ पर अपना माउस लेकर जाऊँगा, आप देखो कंटेनर के अंदर माउस गया, ठीक है। फिर मान लो अभी देखो कंटेनर में माउस गया तो वैसे ही अलर्ट आ जाएगा कंटेनर के अंदर माउस गया, ठीक है। मान लो मैं इसको कंसोल डॉट लॉग में चेंज कर देता हूँ तो वही चीज़ मुझे कंसोल में मिलेगी। अब मान लो मैं ऑन क्लिक इज इक्वल टू, मान लो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटेनर में क्लिक हुआ, ठीक है। मान लो मैं ये लिखता हूँ, मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ यार, और अरे भाई रिलोड हो जा, हाँ हो गया। तो अभी मैं इसमें माउस लेकर गया तो आप देखो नीचे कंसोल में लिख कर आ रहा है कंटेनर के अंदर माउस गया, मैंने क्लिक कर दिया कंटेनर पर तो ये देखो कंटेनर में क्लिक हुआ लिख कर आ रहा है नीचे। तो इस तरह से हम लोग इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं यार, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इवेंट्स कैन बी हैंडल्ड थ्रू HTML attributes, इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू, कुछ आपने लिखा ऑन क्लिक इज इक्वल टू, आपने ये लिख दिया तो क्लिक करने पर ये जावास्क्रिप्ट चलेगी, ठीक है। अगर आपने लिख दिया ऑन माउस एंटर इज इक्वल टू, तो माउस एंटर होने पर वो चलेगी जावास्क्रिप्ट जो भी लिखी हुई है डबल कोट के अंदर। अब डबल कोट के अंदर डबल कोट मत डाल देना, वो दिक्कत होती है। आप अगर मान लो एक फंक्शन चलाना चाहते हो पूरा जावास्क्रिप्ट का, या बहुत सारे फंक्शंस चलाना चाहते हो, एक स्क्रिप्ट चलाना चाहते हो मान लो 15-20 लाइंस की, वो कैसे करेंगे ये मैं आप लोग को बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। लेकिन मैं आप लोग को उससे पहले एक तरीका और बताता हूँ इवेंट्स को हैंडल करने का, जो कि इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व करता है, बट उसके बाद भी एक प्रॉब्लम रह जाती है। वो क्या प्रॉब्लम है ये भी बताता हूँ। सबसे पहले तो कि आप डॉट ऑन क्लिक लिख कर आराम से इवेंट को हैंडल कर सकते हो, यानी कि आप इंस्टेड ऑफ इस इतने बड़े यहाँ पर एट्रीब्यूट्स डालो, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो कंटेनर है, यानी कि आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ठीक है, कंटेनर भाई साहब, हाँ ठीक है, डॉट इन HTML नहीं, आप अगर मान लो लिखते हो लेट, उप्स होम दबाया, लेट ए इज इक्वल टू ये, और उसके बाद मान लो आप लिखते हो, अरे यार ये डबल कोट कहाँ से आ जाता है बार-बार, अब आप लिखते हो मान लो ए डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और एक पूरा फंक्शन आप लोग मान लो इस तरह से लिख देते हो, और आप लोग कहते हो कि मान लो यही एक्सेप्ट कर लेता हूँ यार मैं जो ये कह रहा है, ठीक है। मान लो इस पर अगर क्लिक करो तो इसके अंदर की जो रिलोड कर लेते हैं पहले, मान लो इसके अंदर कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड ऑन क्लिक, ओके क्लास नेम नॉट बाय नेम, और यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगी ये चीज़। अब मैं रिलोड करूँगा तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो इसके अंदर की HTML हेलो वर्ड हो गई जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ नोट करी आपने, नहीं शायद मैंने यहाँ से ये हटा दिया था, नहीं मैंने नहीं हटाया था, तो ऑन क्लिक अगर मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है तो जावास्क्रिप्ट वाला ऑन क्लिक जो है वो माना जाएगा, तो ये वाला ऑन क्लिक माना जाएगा जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि किस तरह से और तरीके से हैंडल किया जा सकता है, ऐड इवेंट लिसनर और रिमूव इवेंट लिसनर क्या होते हैं, इन सबको समझेंगे। बट यहाँ पर देखो मैंने नोट भी लिखा हुआ है कि एडिंग अ हैंडलर विद जावास्क्रिप्ट ओवरराइड्स दी एग्जिस्टिंग हैंडलर, ठीक है। आप रख सकते हो ये वाले एट्रीब्यूट हैंडलर्स भी, लेकिन अगर आप लोग इस तरह के एट्रीब्यूट्स लाओगे तो इस चीज़ को ओवरराइट कर दिया जाएगा। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली ये ओवरराइट हो रहे हैं जावास्क्रिप्ट से, समझ रहे हो आप लोग कैसे काम कर रही है चीज़। तो आने वाले वीडियोस में और चीज़ें देखेंगे, जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, और अगर आपने नोट्स को एक्सेस नहीं करा है तो आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, करें एक्सेस जल्दी से जल्दी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।